हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे एक बात बताओ, शार्क का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वेल, लाइक किसी समुद्री पानी के बाहर निकला हुआ एक बड़ा सा फिन, बड़े बड़े रेजर शार्प दांत, या बेसिकली दुनिया की सबसे खौफनाक मछली, राइट? और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम मीडिया में सिर्फ इनका टेरर यानी आतंक ही तो देखते आए हैं। लेकिन शायद इस इमेज को देखकर आपका शार्क्स को देखने का नजरिया ही बदल जाए। लुक एट इट, क्या लगता है कौन सी मछली है ये? कंफ्यूज्ड? Well, ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि एक किस्म की शार्क है। Yes, the ultra rare pocket shark। इतनी रेयर कि इसे अब तक सिर्फ दो ही बार देखा गया है। लेकिन बाकी शार्क्स के मुकाबले ये आखिर इतनी छोटी क्यों है? और क्या ये स्पीशीज सच में काफी रेयर है? क्योंकि अगर देखा जाए, और आपने भी कई बार ये सुना होगा कि अब तक हम ओशन को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए, और उसमें से भी सिर्फ 20-25% ही हमें शार्क की स्पीशीज के बारे में पता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे और भी स्पीशीज ओशन में मौजूद है पर हम बस उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एंड दिस शार्क इज नॉट दैट रेयर एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। वेल, फॉर दैट मैटर, हमें सबसे पहले इस बात से शुरू करना पड़ेगा कि शार्क्स के कितने राज आज की तारीख में हमें पता है। So, साल 2010 में इन द डीप गल्फ ऑफ मेक्सिको साइंटिस्टों को एक मिनिएचर क्रीचर मिला था, द अल्ट्रा रेयर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग पॉकेट शार्क, यानी हमारे सेलफोन के साइज जितना छोटा शार्क। और इस वजह से शायद आप लोगों को यह भी लग रहा होगा कि इसके पॉकेट साइज के वजह से इसे ये नाम दिया गया। लेकिन यहां पर आप गलत हो। भले ये पॉकेट साइज का हो, लेकिन इसके फ्रंट फिन के सामने कैंगरू जैसे दो लार्ज पाउचेस यानी पॉकेट्स होते हैं, जो एक किस्म के ल्यूमिनस फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ये शार्क अपने इर्द गिर्द किसी शिकार को डिटेक्ट करता है, तब वो इन पाउचेस में से स्लोली स्लोली इस फ्लूइड को रिलीज करता है, सो दैट वो शिकार उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके। सो टू अट्रैक्ट द प्रे, वो ल्यूमिनस फ्लूइड सेक्रेट करता है। लेकिन अगर उसे ये लग रहा है कि वो खुद किसी का शिकार बनने वाला है, तो वो यही ल्यूमिनस फ्लूइड को और रैपिडली रिलीज करने लगता है, ताकि वो अपने शिकारियों को चकमा देकर वहां से भाग सके। सो दिस फ्लूइड हैज ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव प्रॉपर्टीज। इसे आप किसी स्क्विड की तरह कंसिडर करो, कैसे वो इंक रिलीज करके सीधा भाग जाता है। लेकिन बस ये साइंटिस्टों द्वारा किया गया स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये स्पीशी अभी तक बस सिर्फ दो बार ही मिली है। इसके पहले सेम स्पेसिमेन 36 इयर्स पहले 1984 में साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन के नास्का सबमरीन रिज में मिला था, जो आज के सेंट पीटर्सबर्ग के रशियन म्यूजियम में शोकेस किया गया है। और उसमें भी ये शार्क इतना छोटा है कि इसे डाइसेक्ट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसीलिए इसे स्टडी करना भी इतना मुश्किल है। बट लेट्स मेक एन एजुकेटेड गेस ओवर हियर। अगर ये ल्यूमिनस फ्लूइड को रिलीज कर रहा है, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये कहीं डीप ट्रेंचेस में रहता हो? क्योंकि इसी वजह से इसने ये ल्यूमिनस फ्लूइड को सेक्रेट करने की प्रॉपर्टी इवॉल्व की होगी। और अगर हम डीप ओशन लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इकलौती ऐसी शार्क स्पीशीज नहीं है। इनफैक्ट आपको ओशंस के हर लेयर में कोई ना कोई शार्क की स्पीशी मिल ही जाएगी। ओशन के डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से शार्क्स की स्पीशीज इवॉल्व हुई है। डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर कैसे, और ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? Well, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सारी चीजें कंट्रोल्ड पाना चाहता है, उसे अनसर्टेनिटी से काइंड ऑफ डर लगता है। इससे कई बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम हमारा काम करने में जाता है, यानी कि जॉब पर, और बहुत कम परसेंटेज लोग है जो एक्चुअल में अपने जॉब से खुश है, यानी कि वो सही जॉब ढूंढ पाए हैं। अक्सर कंप्लेंट्स होते से स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, या वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल हो गया है, या फिर मॉनेटरी बेनिफिट सही नहीं है। बट बात यह है कि अगर कंपनी की खूबियों के बारे में आपको पहले से ही पता हो, और आप इन्फॉर्म्ड हो कि उस कंपनी में जाने का डिसीजन लो, तो आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं डालोगे। यू नो, इट्स लाइक आप सोच समझ कर किसी रिलेशनशिप में या किसी से फ्रेंडशिप करोगे, राइट? सो जॉब ढूंढने के डेस्परेशन में हम ये स्टेप क्यों नहीं लेते? वेल, यहीं पर इस प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है हायरेक टैप ने। इस ऐप पर आपको 1,90,000 से भी ज्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स मिलेंगे, और इन स्टार्टअप्स और कंपनीज के आप एचआर टीम और डिपार्टमेंट के टीम लीडर्स से इस ऐप के डायरेक्ट चैट फीचर से बात कर सकते हो, और उस कंपनी का एक अच्छा खासा जायजा ले सकते हो कि उस कंपनी के कल्चर क्या है, उस कंपनी के वैल्यूज क्या है, और क्या वहां पे जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है वो आपके स्किल सेट के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इसे यूज करना भी बिल्कुल आसान है। इंस्टॉल होते ही जॉब सीकर या रिक्रूटर सिलेक्ट करो, नंबर और ओटीपी डालकर साइन अप कर लो, और हायरेक्ट ऐप पर आपको 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलेगा, मीनिंग आपका फोन नंबर और रेज्यूमे दोनों आपकी परमिशन के बिना कोई रिक्रूटर नहीं देख सकता। और उसके बाद बाकी के डिटेल्स, जैसे फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब,
फंक्शनल एरिया, सिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कौन से सेक्टर से हो, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा भर के अपनी अपनी प्रोफाइल को बना लो और उसके बाद इस ऐप का जीनियस एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर्स से मैच करवाना शुरू कर देगा। लेकिन सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, इस ऐप को जॉब रिक्रूटर्स भी बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड द रीजन इज बिकॉज हायरेक पर जॉब ढूंढना है ईजी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड हायरेक नाउ। Well, इसके लिए हमें नजर डालना पड़ेगा शार्क्स के एवोल्यूशन पर। शार्क्स आज तक के पृथ्वी के सबसे एंशिएंट क्रीचर्स में से एक है क्योंकि सबसे पहला शार्क आज से करीबन 450 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था और अभी भी वो इवॉल्व हो रहे हैं। यू सी, शार्क्स तभी भी मौजूद थे जब समुद्र के पहले जीव ने ओशन से निकलकर जमीन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। यू सी, शार्क तभी भी मौजूद थे जब एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो रहा था और ये तब भी मौजूद थे जब पृथ्वी 5 मेजर एक्सटिंक्शंस को फेस कर रही थी, दुनिया तबाह हो रही थी, लेकिन अब तक हुए कोई भी इवेंट्स शार्क्स का बाल तक नहीं बाका कर पाए। वेल, ऐसा क्यों है? क्यों है ये जीव इतने रेजिलिएंट? फॉर दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शार्क्स। सो सबसे पहला शार्क आज से 450 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ था, सबसे पहली बोनी फिश एकांत होडियान के फॉर्म में। इस समय के अराउंड ये उन मछलियों में से थी जिनके दांत इवॉल्व होना बस शुरू हुए थे, जिससे उनके लिए शिकार करना आसान हो रहा था। और फिर इसके बाद फिर कुछ वक्त गुजरा और शुरू हुआ मिडिल डेवोनियन एरा, जिसने जन्म दिया सबसे पहले एक फुल्ली फॉर्म्ड एंड फ्रेम्ड शार्क को। इस शार्क का नाम था लियोनोडस शार्क, जो इमर्ज हुए एक 16 इंच ईल लाइक बॉडी में। अब अगर आपने ईल को देखा हो तो इस शार्क का स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा ही था, एक टॉर्पीडो के जैसी बॉडी, एक फोक टेल और स्मॉल जॉज। अब ये स्मॉल जॉज तो सिर्फ दिखने में स्मॉल थे, लेकिन वो अपने से भी कई गुना बड़ी मछलियों को भी आराम से अपना शिकार बना सकते थे। और फिर कुछ वक्त गुजरा और शुरू हुआ द कार्बोनिफेरस पीरियड। इस पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ शार्क्स भी कहा जाता है एंड इन जनरल द गोल्डन एज ऑफ एनिमल्स। इस वक्त में शार्क रैपिडली अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व होने लगे, जैसे कि रेज, स्केट्स और चिमेरास, जिसे कुछ लोग काइमेरास भी कहते हैं, और साथ ही फ्यू स्ट्रेन स्पीशीज जैसे कि स्थेथोकैंथस, यूजीन ओडोंटिडा और फेलकैटस। इस पीरियड में हो रहे रैपिड डेवलपमेंट्स ने शार्क्स को ओशन का बेसिकली किंग बना दिया। शार्क्स के बॉडीज के साथ साथ उनके सेंसेस इस हद तक डेवलप हुए कि वो 15 मीटर के रेंज के अराउंड की मछलियों को आसानी से डिटेक्ट करने लगे। एक टेप्टम लूसिडम होता है जो बेसिकली आंखों के पीछे लगा हुआ एक रिफ्लेक्टिव लेयर होता है। इसकी वजह से वो लो लाइट में भी चीजों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो दे आर सुपर सेंसिटिव टू स्मेल, जिसकी मदद से वो पानी में घुली हुई खून की एक बूंद को भी आसानी से सूंघ सकते हैं। इन सब सेंसेस के साथ उनके पास एक ऐसा सेंस भी होता है जो उन्हें पूरे ओशन का एक एपेक्स प्रेडेटर बनाता है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। शार्क्स अपने नाक के ऊपर लगे सेंसर्स की मदद से ओशन फ्लोर की मिट्टी के अंदर छुपी मछलियों में हो रहे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस तक को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर वो बड़ी आसानी से उन मछलियों को अपना शिकार बना लेते हैं और बेसिकली उनकी खाने की तलाश बहुत ही आसानी से हो जाती है। आज पूरे दुनिया में 1000 से भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट शार्क स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं एबिलिटीज के मदद से ओशंस में अपना दबदबा कायम रखा है, वो भी कई सौ या कई हजार सालों से नहीं बल्कि 450 मिलियन सालों से। शार्क्स लिटरली एक सर्वाइवल मशीन है। अब अगर हमें शार्क्स को पूरी तरीके से समझना है तो हमें इन सभी शार्क्स को इंडिविजुअली भी समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यू सी, हर शार्क स्पीशीज एक दूसरे से थोड़ी अलग होती है। कभी कभी सेम स्पीशीज दो अलग अलग एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करते हुए पाई जाती है और कभी कभी तो दो बिल्कुल ही अलग स्पीशीज सेम लोकेशन में पाई जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शार्क्स को स्टडी करने से पहले हमें उनको ट्रैक करना पड़ेगा और यही करने के लिए 2007 में फ्लोरिडा के मोच मरीना लेबोरेटरी की टीम और मेक्सिकन वेल शार्क साइंटिस्ट रफेल डेला पैरा ने कैनकम में फीडिंग के लिए जमा हो रहे वेल शार्क्स में से किसी एक शार्क पर पॉपअप सैटेलाइट टैग लगाकर उसे ट्रैक करने का प्लान बनाया। बेसिकली पॉपअप सैटेलाइट टैग एक ऐसा सैटेलाइट ट्रांसमीटर है जिसे खास करके मरीन स्पीशीज के बिहेवियर और हैबिटेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। मरीन स्पीशीज पर डिप्लॉय किए हुए ये टैग्स पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर, प्रेशर, डेप्थ और लोकेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर सैटेलाइट्स के जरिए साइंटिस्टों तक ट्रांसमिट करते हैं। और जैसे ही 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, ये टैग्स अपने आप मरीन स्पीशीज से डिटैच हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक टैग को एक व्हेल शार्क पर लगाकर उसे ट्रैक किया गया और उस शार्क को साइंटिस्टों ने नाम दिया रियो लेडी। लेकिन ट्रैकिंग के दौरान एक दिन साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि रियो लेडी का बल्कीनेस सडनली बढ़ने लगा। वेल, दैट मेंट द शार्क वाज प्रेग्नेंट और शायद इसीलिए वो कोस्टलाइन एरिया से ट्रैवल कर रही थी।
द रीजन इज क्योंकि पहली बात कोस्टलाइन एरियाज में खाना ज्यादा मिलता है और साथ ही दूसरा रीजन सेफ्टी भी होती है। इस चीज से साइंटिस्टों को इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि शार्क्स बर्थ के दौरान कोस्टलाइन की तरफ ज्यादा दिखाई देते हैं और वो नेचुरली वहीं पर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इससे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले उसके पहले ही अनफॉर्चुनेटली 5 मंथ कंप्लीट हो गए और टैग डिटैच हो गया। लेकिन इस रिसर्च के बाद साइंटिस्टों के लिए शार्क्स को स्टडी करने के रास्ते आसान हो गए और उन्होंने 2018 में फिर एक बार सेम जगह से किसी दूसरे शार्क को टैग करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्ट पोजिशन एंड टेम्परेचर सैटेलाइट टैग यानी स्पॉट टैग। बेसिकली पॉप टैग या स्पॉट टैग दोनों का काम सिमिलर ही होता है, लेकिन स्पॉट सैटेलाइट टैग एकदम प्रेसाइजली डेटा को एनालाइज कर सकता है। इस टैग के साथ साइंटिस्ट फिर एक बार कैनकन पहुंचे एंड लकीली You won't believe, साइंटिस्टों ने सेम लोकेशन पर सेम शार्क रियो लेडी को फिर से एक बार टैग कर दिया, which was unbelievable. अब जैसे ही स्पॉट सैटेलाइट टैग एक्टिवेट किया गया, वैसे ही उसके कुछ महीने के अंदर अंदर साइंटिस्टों ने ये बात ऑब्जर्व की कि जब उन्होंने पिछले 5 महीने के लिए इसे ऑब्जर्व किया था तब का उसका ट्रैवल पाथ और अभी का ट्रैवल पाथ काफी अलग है। एक भी रीजन पिछले वाले से मैच नहीं कर रहा था एंड हेंस द स्टडी सजेस्टेड किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की तरह शार्क्स एक साल में कभी भी अपने माइग्रेशन पैथवे को रिपीट नहीं करती और शायद अपने इसी माइग्रेटिंग बिहेवियर की वजह से शार्क्स को एवोल्यूशनरीली स्पीकिंग बहुत एडवांटेजेस मिले हैं और आज ये पूरे ओशंस पर राज कर पा रहे हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने ये बात भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी शार्क अपने एंटायर लाइफ स्पैन में कभी ग्रुप में ट्रैवल नहीं करता। रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि एक शार्क ही अपने रीजन के 20-30% जितने मरीन लाइफ पर अपना गुजारा करती है। और वो कहावत है ना, एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यहाँ पर कुछ ऐसा ही लॉजिक अप्लाई करता है। 4-5 शार्क्स अगर एक साथ ट्रैवल करेंगे तो उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिल पाएगा और दूसरी बात वहां का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, मतलब रिवाइव ही नहीं हो पाएगा इकोसिस्टम। अगर इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली शार्क्स के कई शिकारों में से एक होते हैं सी टर्टल्स और सी टर्टल्स अपना गुजारा करते हैं सी ग्रास को खाकर। अब एक एग्जांपल के लिए ये अज्यूम करो कि शार्क्स ही नहीं है, तो इस केस में सी टर्टल्स की आबादी बढ़ती जाएगी और वो सारे सी ग्रास को खाकर खत्म कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो सी ग्रास पर अपना पेट भरने वाली बाकी की फिशेज लाइक शेल फिशेज एंड अदर मरीन लाइफ वो सब भूखे रह जाएंगे और फिर वो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर शार्क्स ने सारे सी टर्टल्स का शिकार कर लिया और उन्हें खत्म कर दिया तो फिर एल्गी और सी ग्रास का अमाउंट रैपिडली बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से ना ही सनलाइट वाटर में एंटर कर पाएगा और ना ही ऑक्सीजन, और नतीजा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसीलिए दोनों ही केसेस में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए शार्क्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेट मी ऑल्सो टेल यू, जिस हिसाब से हम इन शार्क्स को अपने फायदे के लिए मार रहे हैं वो देखते हुए लगता नहीं है कि ओशन लाइफ काफी देर तक बैलेंस रह पाएगी, क्योंकि अब तक किए गए काफी सारे स्टडीज के अकॉर्डिंग हर साल शार्क मीट, इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन्स और फिन्स के लिए 100 मिलियन शार्क्स को मारा जाता है। दैट्स ऑलमोस्ट 200 शार्क्स पर मिनट। और इसमें से भी 73 मिलियन शार्क्स को हर साल सिर्फ 3-4% बॉडी पार्ट्स के लिए ही मार दिया जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड शार्क कल्स बिना सोचे समझे शार्क्स को मार देते हैं और इसके वजह से 31 शार्क स्पीशीज ऑलरेडी विलुप्त भी हो चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो शार्क्स जो 450 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से इवॉल्व होते आए हैं, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 मैसिव मैस एक्सटिंक्शंस को सरवाइव कर चुके हैं, वो प्रेजेंटली इंसानों के कमर्शियल एक्टिविटीज के वजह से, इंसानों के लालच के वजह से एक्सटिंक्शन फेस करने के खतरे में आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब वो सिचुएशन आ चुका है जहां पे हमें बैठ के शांत माइंड से सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए ये कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कुछ चंद इंडस्ट्रीज जो इन एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, या फिर हमारे लिए समुद्री इकोसिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर। आपको क्या लगता है इस बात पे फ्रेंड्स, क्या इन चीजों पर एक्शन लिया जाएगा या फिर वो इंडस्ट्री वाले पैसा खिला के गवर्नमेंट को शांत कर देंगे और आगे कोई नई आफत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी? राइट डाउन योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं एवोल्यूशन को लेके, स्पेशली शार्क्स के एवोल्यूशन को लेके आपकी राय भी नीचे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि शार्क्स, डोंट यू थिंक एज एन ऑर्गेनिज्म काफी ब्रिलियंटली इवॉल्व हुए हैं? वेल, राइट डाउन योर ओपिनियन डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेल्फ लाइफ साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले हाईलाइट टैप को डाउनलोड करना मत भूलना, अपने जॉब सर्चिंग फेस पर फुल स्टॉप लगा दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।